इस वक्त की बड़ी खबर राज्यसभा से आ रही है, जहां किसान आंदोलन का मुद्दा उठा है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि किसानों से लड़कर किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले। तो गुलाम नबी आजाद का यह बयान सामने आया है। राज्यसभा में किसान आंदोलन का मुद्दा उठा और उस दौरान कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि किसानों से लड़कर किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। आपको बता दें कि लगातार विपक्षी दल कृषि कानून और किसानों के मुद्दे की बात संसद में करने की कोशिश कर रहे थे और आज राज्यसभा में जमकर इसको लेकर नारेबाजी भी हुई। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के भी एक सांसद ने इस आंदोलन को शाहीन बाग बनने की बात भी कही और इसी दौरान कानून वापस लेने की बात कहते नजर आए गुलाम नबी आजाद। जो गतिरोध बना हुआ किसानों का और सरकार के बीच, ये पहली दफा नहीं हुआ। सैकड़ों सालों से किसान संघर्ष करता रहा है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता रहा है। कभी फ्यूडलिज्म के खिलाफ ये लड़ रहे, जमींदारी के खिलाफ लड़ रहे और कभी सरकार के। मैं उल्लेख देना चाहता हूं कुछ महत्वपूर्ण उन एजिटेशंस जो आखिर में सरकार को अंग्रेजों के जमाने में झुकना पड़ा। मैं कई दिन से पढ़ रहा था किसानों के आंदोलन के बारे और विशेष रूप से अंग्रेजों के शासन, तो नतीजा आंदोलन का यह हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा, विड्रॉ करना। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि किसानों की ताकत हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ताकत और किसानों से लड़ाई करके हम किसी नतीजे पे पहुंचे नहीं और न पहुंच सकते। अगर आपकी अनुमति हो तो कुछ हिस्ट्री के पन्ने मैं यहां आपके सामने रखता हूं। और 1906 के बीच में तीन कानून यूनाइटेड इंडिया में और ब्रिटिश इंडिया की हुकूमत में हुए, वो है पंजाब लैंड कॉलोनियल एक्ट 1900, दूसरा दुआब बारी एक्ट 1906, द कॉलोनियल एक्ट 1906। ये तीन कानून के खिलाफ, ये तीन कानूनों में क्या था कि जमीन की मालिक ब्रिटिश सरकार होगी और मालिकाना हक से उनको वंचित रखा जाएगा, किसानों को उन्हें बिल्डिंग बनाने की, घर बनाने की और पेड़ काटने की अपनी जमीन पे कोई हक नहीं होगा। और जो बड़ा बेटा होगा परिवार का, अगर वो एडल्ट नहीं होगा, अगर वो बालिग नहीं होगा और मर गया तो ये जमीन छोटे भाई को जो बालिग नहीं है उसको नहीं ट्रांसफर होगी, जमीन गवर्नमेंट की होगी। इस पर वबाल मच गया और इस पर एजिटेशन 1907 में हुई और इस एजिटेशन का संचालन कौन कर रहे थे? अजीत सिंह, सरदार अजीत सिंह, बड़े भाई भगत सिंह जी के, किशन सिंह जी भगत जी के पिताजी, घसीटा राम जी, सूफी अंबा प्रसाद जी। और प्रोटेस्ट पूरे पंजाब में हुए और उस वक्त बांके लाल जो जंग के एडिटर थे उन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल वे का एक गीत बनाया जो उस वक्त का सबसे बड़ा मशहूर और क्रांतिकारी गीत बना। मैं उसमें से कुछ क्षण यहां आपको बताना चाहता हूं। पगड़ी गुलाम नबी आजाद को आपने सुना। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली दंगे के वो 8 मोस्ट वांटेड जिनकी तलाश कर रही है दिल्ली पुलिस।